अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी अब्दुशकूर। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। लेकिन दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो एंड फाइल। इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रॉन एंड फाइल मीन लविंग। सो इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन से प्यार करेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन से कौन प्यार करेगा? इलेक्ट्रॉन से वो प्यार करेगा जिसके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। सो बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रॉन लविंग है। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट ये है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब जो सेंट्रल एटम होगा उसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होगा, वो कम्प्लीट नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोफाइल पर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या न्यूट्रल स्पीशी होगा। ठीक है, या पॉजिटिव चार्ज होगा या न्यूट्रल स्पीशी होगा। अच्छा, कुछ एग्जांपल है उसको देखते हैं। इसमें सबसे पहला वाला जो है वो है CH3 पॉजिटिव। यहाँ पर आप लोग देखें तो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। कार्बन जो है यूजुअली 4 बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाया है। सो यहाँ पर कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। पॉजिटिव चार्ज से ये अंदाज़ा होता है कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है यहाँ पर कार्बन। ठीक है, अच्छा दूसरी बात ये कि कार्बन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। क्यों? ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और यहाँ पर कार्बन के पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। सो इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और इसका जो ऑक्टेट है वो भी इनकम्प्लीट है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा RC डबल बॉन्ड O, इसको हम कहते हैं एसाइलियम। इसको हम कहते हैं एसाइलियम। ठीक है, और ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, 4 के बजाय 3 बॉन्ड जो है यहाँ पर बनाया है। ठीक है, सो ये क्या है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। और यहाँ पर भी कार्बन का जो ऑक्टेट है वो क्या है, वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, सो यहाँ पर अभी तक जो मैंने एग्जांपल दिए है वो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। ठीक है, न्यूट्रल भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं, लेकिन सबसे पहले पॉजिटिव को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और एग्जांपल है, वो है NO2 पॉजिटिव। इसको हम कहते हैं नाइट्रोनियम। इसको हम कहते हैं क्या, नाइट्रोनियम। और ये भी इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और नाइट्रोजन यहाँ पर जो है सेंट्रल एटम है और इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। सो ये भी जो है क्या है, इलेक्ट्रोफाइल ही है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक और भी है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोसोनियम। इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रोसोनियम। और ये भी जो है क्या है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल ही है क्योंकि यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इसका भी जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है। अच्छा, ये तो हुआ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, न्यूट्रल भी हो सकता है। उसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर करते हैं। अच्छा, BF3 न्यूट्रल की बात हो रही है। BF3 यहाँ पर ये न्यूट्रल है, लेकिन ये बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिकॉज यहाँ पर जो है जो सेंट्रल एटम है जिसको हम बोरान कहते हैं, इसका जो ऑक्टेट है वो क्या है, वो इनकम्प्लीट है। यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, इसी वजह से ये क्या है, ये एज अ इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा। अब ये तो बजाय जो है न्यूट्रल है BF3। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा ड्रा करूं, यहाँ पर BF3, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं बोरान और फ्लोरीन के बीच, उस पर जो है ज्यादा ग्रिफ्ट फ्लोरीन ही का है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बोरान है वो पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव करेक्टर ज्यादा है, तो इसी वजह से हम इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। और दूसरी बात यह कि यहाँ पर बोरान का जो ऑक्टेट है वो
इनकम्प्लीट है, ठीक है। सो ये एक न्यूट्रल स्पीशी है और ये इलेक्ट्रोफाइल है, एज अ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर ये बिहेव करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रॉन लविंग है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है इसी वजह से इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, या इसके अलावा जो है BH3, ये सारे जो है इलेक्ट्रोफाइल है और न्यूट्रल है, ठीक है। क्यों? बिकॉज इसकी जो ऑक्टेट है सेंट्रल एटम की वो इनकम्प्लीट है और इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ठीक है। ये तो हुआ इलेक्ट्रोफाइल। अब जो है बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। सो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन पर जो है कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो न्यूक्लियस लविंग मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग, मतलब यहाँ पर ये खुद जो है इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं होगी। अब जब इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो ये जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसी और को देगा, किसको, इलेक्ट्रोफाइल को, मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा, ठीक है। खुद जो है ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट होगा। दूसरी बात ये कि ये जो है इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होगा, जो सेंट्रल एटम है उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। और तीसरी बात ये कि न्यूक्लियोफाइल जो है इस पर नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है और वो न्यूट्रल भी हो सकता है विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहला जो है न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल जो है नेगेटिव चार्ज वाली जो स्पीशीज है वो डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो उसमें साइनाइड, यहाँ कार्बन पर जो है क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब कार्बन है ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन का जो ऑक्टेट है वो क्या है, कंप्लीट है, कार्बन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, मतलब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन रिच, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मतलब Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे जो है क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। इसके अलावा बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच है, उसको नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी जो है बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब जो है न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल देखते हैं, ठीक है। सो न्यूट्रल में जो है अल्कीन भी आ सकता है, ठीक है, मतलब अल्कीन में क्या है, डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये लूजली हेल्ड होता है, लूजली हेल्ड मतलब ये इजीली पोलराइज्ड, मतलब इजीली ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं टू द इलेक्ट्रोफाइल। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं तो मतलब ये कि ये इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, इसके इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। इसके अलावा जो है अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये भी जो है बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल और ये भी इलेक्ट्रॉन को जो है डोनेट करेगा, ठीक है। और इसका जो ऑक्टेट है यहाँ पर जो कार्बन होंगे उसके जो ऑक्टेट है वो भी कंप्लीट होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये था न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, इसके अलावा वाटर आप लोग देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी जो है क्या है, बिहेव करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, बिकॉज यहाँ पर जो है ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है। सो दिस इज न्यूक्लियोफाइल। आई होप आप लोग को समझ आया हो, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जो है कमेंट में पूछें। शुक्रिया।